अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदए फीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यिमा बकियतल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फरजहुश शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, सांसों की रवानी हमारी ताकत और कुव्वत है करबला। करबला हमें हर मुश्किल मरहले में जीने का दर्स देती है। करबलाए मौला में मौजूद आप सब के लिए दुआ गो। खुदावंद मुताल आप सबको भी जल्द मौला की बारगाह में आने की तौफीक अता फरमाए। 19 रमदान अजीम 1445 हिजरी कमरी करबलाए मौला के मुताबिक 30 मार्च 2024 ईसवी। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1443 बारगाह अकदस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। हफ्ते का दिन रसूल आदम ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन। 19 रमदान योम ज़रबत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। आप सब की खिदमत में भी ताज़ियत पेश करता हूँ। हम सब मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में और मौला के साथ मिलकर अपने वक्त के इमाम की बारगाह में ताज़ियत व तसलियत पेश करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौला की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के लिए मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम व मनकबत व नोहा खां, जवार सैयद फरमान हैदर नकवी साहब सैयदपुर शरीफ घोटकी सिंध पाकिस्तान से। आइए अजीज से फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला आई अलैहि सलाम मदद। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। मौला का एहसान है, सुबह आपने शबे ज़रफ़त मौला की बारगाह में दुआ में की। माशाल्लाह, कैसा लगा वहाँ का माहौल? अल्हम्दुलिल्लाह, बस मौला की तरफ से सआदत नसीब हुई, पुरसादारी हुई, मौला के एहसान हुए। सुभानअल्लाह। वहाँ पे मजालिस महाफिल यकीनन एक अपना ही माहौल बना हुआ होता है। जी बिल्कुल। सलामत रहें। यकीनन ये अय्याम ऐसे अय्याम हैं जो दोनों सरदारों की बारगाह में हाज़री और उनकी बारगाह में अकीदत पेश करने के दिन हैं। तवसल की घड़ियाँ हैं। वो मोमिनीन जो नहीं आ सके और यहाँ पे पुरसा देने के लिए मौला की बारगाह में अपनी अकीदत पेश करने के लिए आना चाहते हैं, आए उन्हें मिलाएं चाहूँगा हदी अकीदत मौला की बारगाह में। आज की मुनासिबत से इनायत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लन क़त्ला तअमीरल मोमिनीन। एक मनकबत मौला अली अलैहि सलाम की शान में पेश करता हूँ, उसके बाद मौला के शहादत के हवाले से एक नोहा पेश करूँगा, फिर आखिर में इंशाल्लाह एक दुआ या कलाम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे, क्योंकि कल यहाँ से हमारी वापसी है। और आप भी दुआ कीजिएगा कि मौला हमें बार बार यह सआदत नसीब फरमाए। मारूफ कसीदा है मौला अली अलैहि सलाम की शान का, मेरे उस्ताद मोहतरम शायर विलायत सोहेल शाह साहब का लिखा हुआ, आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आयाम अली अलैहि सलाम में तो चाहता हूँ कि एक मनकबत और एक नोहा पेश कर दूँ। हर गली अली की है, वाह वाह, हर नगर अली का है, बेशक बेशक बेशक, हर गली अली की है, अल्लाह, हर नगर अली का है, अल्लाह अल्लाह, हर गली अली की है, अल्लाह, हर नगर अली का है, मुल्के किबरिया में सब खुशको तर अली का है, वाह 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 वाह,
मुल्के किबरिया में सब वाह खुश्कोतर अली का है, वाह जुज खुदा किसी के जो वाह सामने नहीं अल्लाह झुकता, बेशक वाह ऐसा दिल अली का वाह वाह है, वाह 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 ऐसा सर अली वाह 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 का बेशक ला रहे वाह 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 है, ऐसा दिल अली वाह का है, वाह ऐसा सर अली का वाह है। सुभान अल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है मेरे मौलाए कायनात के, बेशक मैं इस अजीम सरजमीन पर बैठ के मौला कायनात का एक मुख्तसर सा तारुफ पेश माशाल्लाह करना चाहता हूँ, देखिएगा। बिस्मिल्लाह सजदा गर नहीं करता अल्लाह हम खुदा समझ अल्लाह लेते, अल्लाह 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 वाह 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 सजदा गर नहीं करता वाह हम खुदा समझ लेते, अल्लाह बस यही तारुफ वाह एक वाह मुख्तसर वाह अली वाह वाह का वाह 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 है, वाह 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 बस वाह यही तारुफ एक वाह मुख्तसर अली का सुभान अल्लाह वाह है। वाह ये वाह शेर भी देखिएगा कि बिस्मिल्लाह किस तरह से मेरा मौला जंगों में आए और क्या जौहर दिखाए, क्या हुनर दिखाए मेरे मौला ने, पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह एक को दो किया जब भी सुभान अल्लाह वजन एक सा निकला, अल्लाह वाह 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 एक को दो वाह किया जब भी अल्लाह सुभान अल्लाह वजन एक सा निकला, वाह मुनफरिद जमाने में ये हुनर अली वाह 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 का वाह 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 है, वाह 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 मुनफरिद आदिल वाह 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 जमाने वाह 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 में ये हुनर अली का वाह है। और ये दुआ ये शेर पेश करता हूँ, मुझको हश्र में अल्लाह वाह बख्श देगा ये कहकर वाह है खताओं में अल्लाह जकड़ा ये मगर अली का वाह 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 है, वाह 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 मौत तुमको आती है वाह ताजिए को छूने वाह से, वाह सजदे जिसको करते हो वाह वो भी घर अली का वाह 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 है। वाह 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 ए सुहेल मीसम वाह से सीख ढंग जीने वाह का, वाह खौफ क्या जमाने का तू अगर अली वाह वाह का वाह वाह है, वाह 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 खौफ क्या वाह 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 जमाने का वाह तू अगर अली का है, वाह हर गली अली की है, वाह हर नगर अली का वाह वाह है। वाह वाह सुभान अल्लाह वाह 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 माशाल्लाह मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद माजिल फरजहुम। यकीनन बहुत प्यारा कलाम और मौला की मार्फत को पेश करने का बहुत प्यारा हुनर काम आया इस कलाम में। खुदावंद मुताल आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फरमाए। काफ़ी सारे शोबे हैं तबलीग दीन के, असल में तो हमारे यहाँ तो जिस तरीके से अमूमी ज़बान में तबलीग इस्तेमाल किया जाता है वो तबलीग हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, गो के बलागत के लिए पहुँचाने के माने में अगर इस्तेमाल किया जाए तो शायद ठीक हो, लेकिन कुरान ने जिस चीज़ को तबलीग कहा वो फ़कत विलायत अमीरुल मोमिनीन अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत के लिए इस्तेमाल किया माशाल्लाह। कलाम पढ़ते हुए
आपको कितना अरसा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बचपन से ही मैंने तकरीबन कोई 9-10 साल के एज से माशाल्लाह स्टार्ट किया। बस घर में पढ़ते थे अपनी बारगाह में, फिर आहिस्ता आहिस्ता मौला ने करम किया। बस ये ड्यूटी है मौला की तरफ से, शायद हमारे नसीब में थी क्योंकि ये हर किसी को नहीं मिलती। बेशक ऐसा ही, इंतहाई खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मौला ने इस जिक्र से मुंसलिक रखा है। सुभान और ता कयामे कयामत भी, ता दमे आखिर तक भी यही दुआ है इस सरजमीन के सदके कि मौला इस जिक्र से हमें मंसूब रखे, ताकि हम और खुलूस नियत से फ़र्ज समझ कर ये तौफीक दे मौला, पैगाम समझ कर पैगाम आले मोहम्मद को बढ़ाने के लिए हमारी आवाज़ हमारा कलम काम आता रहे इंशाल्लाह। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। अच्छा, वैसे काफ़ी मरतबा ऐसा होता है कि कुछ मुनासिबतें ऐसी आती हैं जब इंसान की कोई मजबूरी या ज़रूरत हो या कोई मुश्किल हो जाए तो इंसान कहीं जिक्र करने के लिए नहीं जा सकता, एक तड़प सी रहती है। यानी ये एक वो हमारी कहूँ फितरत है जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम, जो आदत कहूँगा, आदत अगर खलूस के साथ हो तो खलूस नियत के साथ इबादत बन जाती है। ये हमारी वो इबादत है कि हम इसके लिए बेचैन रहते हैं क्योंकि हमारी फितरत सानिया बन गई है। हकीकी फितरत तो है ही अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र और अल्लाह का जिक्र। माशाल्लाह आपने कलाम काफ़ी सारे लिखे भी, पढ़े काफ़ी सारे कलाम, हर पढ़ने वाले का एक तवस्सुल हुआ करता है। एक चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम में से हम तारीख की बुज़ुर्ग हस्तियों में से बीबी सैयद सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, आपका किन से ज़्यादा तवस्सुल रहा? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझ पर ख़ास करम है वो मेरे गाजी अब्बास अलमदार का है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह। और मैं शायद इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मौला गाजी शहनशाह के मुझ पर बहुत बड़े एहसानात हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाह। सबसे पहले अभी आपने बात छेड़ दी है तो मैं दिल करता है कि 2009 में पहली मरतबा में करबला आया था। एक अचानक शौक सा उठा मेरे दिल में तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। अल्लाह अल्लाह। तब मेरी एज कोई 18 से 19 बरस होगी, तो बस दिन रात में गाजी अब्बास अलमदार के अलम पर हाजरियाँ भरता रहा। अल्लाह अल्लाह। नमाज मगरबैन के लिए जमात में काफ़ी तबीयत मेरी नासाज हो जाती थी, नमाज में रो रो के मौला, एक ऐसी तड़प आई मेरे दिल में कि मैंने कहा मौला मैं मर जाऊँगा। अल्लाह अल्लाह। तो एक कलाम था मारूफ कलाम जो मैंने तकरीबन 10-12 दिन मैंने वो पढ़ा मुसलसल, तो वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मंसूब था। लेकिन क्योंकि यहाँ आना था कलाम मौला रज़ा सरकार के पढ़ता रहा, मौला गाज़ी अब्बास अलमदार के, और मांगता मौला गाज़ी अब्बास से रहा। अलम पे मेरी आदत थी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फजर के बाद गाज़ी शहनशाह के परचम जो मेरे घर में नसब है, जो इमाम बारगाह पे है, जमात के बाद वहाँ पर हाज़री। तो मैंने उन दिनों ऐसा कुछ देखा किबला कि मैंने पत्थर को भी पानी होते देखा। अल्लाह अकबर। ऐसी ऐसी मुश्किलातें मेरे सामने आई। अल्लाह अल्लाह। बस 10-15-20 दिन गुजरे कि मेरे उस्ताद मोहतरम सोहेल शाह साहब, शायर अहले जनाब जफर अब्बास जफर साहब, उनकी तरफ से मुझे कॉल आती है कि फरमान भाई हम करबला जा रहे हैं, आपको जाना है। वाह वाह। मैंने कहा मैं तो तड़प रहा हूँ इस। वाह वाह। सुभान अल्लाह। तो मैंने अब्बू को बताया, मौला उनके दर्जात बुलंद करे। मैंने कहा मुझे करबला जाना है। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह। तो बस यहाँ आके पहुँचे और बहुत सारे राज हैं ऐसे। एक दफ़ा मेरी बहन की तबीयत नासाज थी, तो उसने ख्वाब में देखा कि खैमा है, खैमे के बाहर कुछ लोग हैं, तो मैं उनसे कह रही हूँ अंदर कौन है, तो कहते हैं कि मौला अब्बास अलमदार का खैमा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो कहती है मैं बीमार हूँ, मुझे शिफा चाहिए। तो मौला गाजी अब्बास अलमदार के अंदर से आवाज़ आती है कि ये हमारे फरमान की बहन है, इसको कुछ नहीं होगा। वाह वाह वाह। तो इतने इनके एहसान हैं कि मैं बता नहीं सकता, और बहुत सारे राज हैं, और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भी मुझ पर बहुत बहुत ज़्यादा एहसान हैं। सुभान अल्लाह। कि
उनकी तरफ से मैं वहाँ पर खिदमत जो दे रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अरबईन पे क्यों नहीं आते, तो मैंने कहा मुझे 2014 में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था, यूँ मुखातिब किया ख्वाब में कि बेटा तुम करबला नहीं आओ, तुम वहाँ पे मेरा काम संभालो, अल्लाह अकबर, अल्लाह, तुम वहाँ मेरा रोज़ा देखने आ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ अपना चेहरा दिखाने आया हूँ। तो बिल्कुल मैंने मौला हुसैन के चेहरे अकदस की ज़ियारत की है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो मखसूसियाँ होती हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनमें यहाँ ना आऊँ। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम बनता भी है तो वो फिर खुद ब खुद वो चला जाता है, मैं नहीं पहुँच पाता। लेकिन उसके बाद जब मैं ज़ाहिर है यहाँ पर आना या वहाँ पे आना, हम तो हैं इनके, इनका ही काम करना है, इनका ही पैगाम आम करना है। जो ताकत जो वसत मौला ने दी है उसके मुताबिक हम खिदमत कर रहे हैं, यही कबूल करने वाले हैं। और कैसे यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, कैसे पता ही नहीं चलता कि किस तरह पे किस तरह से हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। क्योंकि ये जो सफ़र करबला है ये ना दौलत का मोहताज है, बेशक बेशक, ना माल का मोहताज है, ना ताकत का मोहताज है, बेशक, लारेब लारेब, जिसके जिसके लिए मोहर लग जाए वो आ जाता है, बेशक ऐसे ही, बेशक ऐसे ही। तो ऐसे काफी वाकयात हैं, हमने लोगों को एयरपोर्ट से वापस जाते देखा, अल्लाह मान, अल्लाह मान, यहाँ आप आकर बॉर्डर से भी वापस जाते देखा, अल्लाह, खुद हम 2017 में बगैर यानी वीज़ा की डेट एक्सपायर हो गई, किस तरह से मौला से तवस्सुत किया और मौला ने किस तरह हमें यहाँ बुला लिया। बेशक ये अताएं करने वाले और इनकी अताएं बस बेहद और बेहिसा हैं। आए तवस्सुल करते हैं मौला की बारगाह के अंदर, मौला आपकी हाजात और आपकी तमन्नाएं हमेशा कबूल फरमाए। और जो नहीं आ सके हमारे कलाम के दरमियान, यकीनन हो सकता है कोई वाक्य उनसे भी अटैच करता हो, मौला उन सबको भी आने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाह, मौला की बारगाह में तवस्सुल की कड़ियाँ चाहूँगा, इनायत फरमाइए, बिस्मिल्लाह। तो अब ये बातें कुछ इस तरह से हो गई, तो जो कलाम मुझे आखिर में पढ़ना था वो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। उसके बाद फिर मौला का नौहा पढ़ के इजाज़त चाहेंगे, बिस्मिल्लाह, इनायत, इनायत। तो ये कलाम मेरे बड़े भाई सैयद सखावत हुसैन सखावत का लिखा हुआ है, अल्लाह मौला उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, जो उनकी दुआएं हैं उनको पूरा फरमाए। आज ही उनसे बात हुई तो वो भी यकीनन यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए दुआगो हूँ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि मेरे भाई सखावत हुसैन सखावत को मेरा मौला जल्द अपनी बारगाह में तलब फरमाए। चूँकि कल हमारी यहाँ से वापसी है, तो जो अपने वतन में अपने इलाकों में तड़प रहे हैं इस ज़ियारत के लिए, माशाल्लाह, उनके लिए ये कलाम है। अल्लाह और अपने लिए दूसरी मरतबा हाज़िरी की मंजूरी लेने के लिए मैं इस बारगाह में ये कलाम पेश कर रहा हूँ। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद भेज दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मुअज्जिल फरजहु। करबला बुलाइए हुसैन, अल्लाह अल्लाह, करबला बुलाइए हुसैन, करबला बुलाइए हुसैन, करबला बुलाइए हुसैन, एक नजर उठाइए बख्त यूं जगाइए, आए बेकरारियों को चैन, वाह वाह वाह, करबला बुलाइए हुसैन, करबला बुलाइए हुसैन, करबला बुलाइए हुसैन, सुभान अल्लाह। ऐसा कुछ सबब बने, ऐसा कुछ सबब बने, इस बरस में अब बने, देख पाए रोजा मेरे ने, करबला बुलाइए हुसैन, करबला बुलाइए हुसैन, करबला बुलाइए हुसैन। और ये बिलखुसूस दुआ पेश कर रहा हूँ तमाम मोमिनीन के लिए, बिस्मिल्लाह। आप पर सलाम हो, आप पर सलाम हो, ऐसा एहतमाम हो, ऐसा एहतमाम हो,
साथ लेके आऊं वालदैन, करबला बुलाइए हुसैन, करबला बुलाइए हुसैन, करबला बुलाइए हुसैन। एक समत हो वफा, एक समत हो रजा, दो हरम हो मेरे जान बैन, करबला बुलाइए हुसैन। आपकी अमा में है, आपकी अमा में है, एक जगह जहां में है, मस्जिदों में जैसे क़िबलतें, करबला बुलाइए हुसैन, करबला बुलाइए हुसैन, करबला बुलाइए हुसैन। हर आज़ादार के लिए दुआ पेश कर रहा हूँ जो तड़प रहे हैं अपने वतन में मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए, उनके लिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मौला गाजी शहनशाह की बारगाह में ये शेर पेश कर रहा हूँ, बिलखुसूस अपने भाई सखावत हुसैन सखावत के लिए। रुख ज़रीह से मलूं, रुख ज़रीह से मलूं, फिर ठहर के सांस लूं, दोनों जन्नतों के बैन बैन, करबला बुलाइए हुसैन, करबला बुलाइए हुसैन, करबला बुलाइए हुसैन। मैं नजफ को चूम लूं, सामराह घूम लूं, देख लूं दयार काज मैं, करबला बुलाइए हुसैन, करबला बुलाइए हुसैन। जुल्मतों के अब करीम मैं रहूं नहीं नहीं, ऐ मेरे नबी के नूर आए, करबला बुलाइए हुसैन। दोनों भाई इस तरह है पनाह जिस तरह है कुरान में मौजत है, अल्लाह करबला बुलाइए हुसैन, वाह 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 सुभान अल्लाह, करबला कमाल तशबीह है, वाह 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 वाह, करबला बुलाइए हुसैन। अब क्या कहता है आशिक हुसैन जो अपने अपने इलाके में तड़प रहा है। वाह। कोई भी अमल नहीं, वाह, ये सखावत हजीम, अल्लाह, कोई भी अमल नहीं ये सखावत हजीम, मोतरफ है शाह मशरक है, वाह 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 वाह, करबला बुलाइए हुसैन, वाह 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 सुभान अल्लाह, करबला बुलाइए हुसैन, सुभान अल्लाह, करबला बुलाइए हुसैन, अल्लाह अल्लाह बहुत प्यारा कलाम, दुआइया कलाम, मुनाजात कहूँ दुआइया कलाम कहूँ, मौला कबूल फरमाए और जिनके लिए आपने दुआ की मौला उनकी भी हाजात को बराबर फरमाए। मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ, चार मिनट पर बचे हैं प्रोग्राम में, चाहूँगा अकीदत और तवसुल की घड़ियाँ बिस्मिल्लाह के हिसाब से अपना लिखा हुआ कलाम जो दो तीन साल पहले मैंने रिकॉर्ड करवाया था, माशाल्लाह 19 रमज़ान को रिलीज़ भी किया था, मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, और तमाम नाज़रीन से मैं गुजारिश करूँगा कि मौला का छोटा सा ज़ाकिर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है सैयद फरमान हैदर नकवी ऑफिशियल, उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी जो ये खिदमात हैं, जो कलाम हैं, आप मोमिन तक बआसानी पहुँच सकें। मैं पेश कर रहा हूँ इनायत मौला की बारगाह में। खून में रंगीन हुई मस्जिद कूफा, अल्लाह अल्लाह, कत्ल हुआ सजदे में है शेर खुदा का, हाय हाय,
खून में रंगीन हुई मस्जिद कूफा, अल्लाह अल्लाह, कत्ल हुआ सजदे में है शेर खुदा का, आती है अफलाक से आवाज खुदाई, शोर है मातम है फरिश्तों में दुहाई, आती है अफलाक से आवाज खुदाई, शोर है मातम है फरिश्तों में दुहाई, रोने लगे सारे मलक छोड़ के सजदा, कत्ल हुआ सजदे में है शेर खुदा का, खून में रंगीन हुई मस्जिद कूफा, कत्ल हुआ सजदे में है शेर खुदा का, रोने की आती है सदाएं सर कूफा, शबर और शबीर भी करने लगे गिरिया, रोने की आती है सदाएं सर कूफा, शबर और शबीर भी करने लगे गिरिया, सर से उठा ज़ैनब कुलसुम के साया, कत्ल हुआ सजदे में है शेर खुदा का, पहली रकअत पढ़ने लगे हैदर करार, सजदाए अव्वल में चलाई गई तलवार, अल्लाह, पहली रकअत पढ़ने लगे हैदर करार, सजदाए अव्वल में चलाई गई तलवार, ऐ बिन मुलजिम ये बता तूने किया क्या, कत्ल हुआ सजदे में है शेर खुदा का, बहन ये करती है अलमदार की मादर, आका के जाने से है वीरान हुआ घर, बहन ये करती है अलमदार की मादर, आका के जाने से है वीरान हुआ घर, बादे अली कौन हमें हौसला देगा, कत्ल हुआ सजदे में है शेर खुदा का, जुल्म हुआ मस्जिद कूफा में ये कैसा, लगता है आगाज हुआ कर्ब बला का, जुल्म हुआ मस्जिद कूफा में ये कैसा, लगता है आगाज हुआ कर्ब बला का, हाय फरिश्तों के लबों पर था ये नौहा, कत्ल हुआ सजदे में है शेर खुदा का, अल्लाह अल्लाह, कैसे ये फरमान लिखे नौहाली का, कैसे ये फरमान पढ़े नौहाली का, कैसे ये फरमान लिखे नौहाली का, कैसे ये फरमान पढ़े नौगाली का, रोते हैं किरतासो कलम पीट के सीना, कत्ल हुआ सजदे में है शेर खुदा का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल वरजहु, खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सदाबाद रहें, हमेशा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। मुख्तसर वक्त में बहुत प्यारे कलाम मौला तौफीकात में इजाफा फरमाए। ये थे हमारे साथ शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम मनकबत व नुहा खां, सैयद फरमान हैदर नकवी, सैयदपुर शरीफ घोटकी, सिंध पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला हम सब पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। आइए वक्त के इमाम को आज के दिन के पुरसे के तौर पर उनके ज़हूर की दुआ, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज। Seven, seven.